शनि देव नव कर्मों के लिए दंड देने वाले एक ग्रह है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में से उच्चतम शक्तियों को धारण करते हैं। उनको क्रोध और न्याय का प्रतीक माना जाता है। उन्हें काल तथा मंत्रण भी कहा जाता है। वे जीवन में कर्म का विशेष महत्व रखते हैं तथा उनके अनुशासन पर पूरी दुनिया आधारित है। इसके अन्यतर उनको धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण में बहुत महत्व दिया गया है। उनकी ही पूजा से जीवन में सुख और शांति प्राप्त होती है। उनका वाहन कौवा है तथा उनका वास्तविक स्वरूप बहुत भयावह है। उन्हें जैसे देखा जाता है वैसा ही उनका प्रतीक बनाया जाता है। उनके प्रति आदर और भक्ति से भरी पूजा उनकी क्रोध और न्याय की शक्ति को शांत करती है तथा उनसे आशीर्वाद प्राप्त कराने में सहयोगी होती है। उनकी सहायता से व्यक्ति अपने जीवन में अनेक समस्याओं का समाधान कर सकता है। वे हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व रखते हैं तथा उनकी कहानियों और उनसे संबंधित विविध पूजाओं के विषय में बहुत से लोगों का एक आध्यात्मिक अनुभव है। उनकी कहानियाँ उनके भक्तों को धर्म का महत्व समझाती हैं। कर्मों का फल देना तथा अपने भक्तों को धर्म की शिक्षा देना ही उनका सर्वमान्य कार्य है। एक दिन शनि देव अपने पिता सूर्य देव के साथ रथ में सवार थे। इस दौरान शनि देव ने अपने पिता के सामने एक घातक दंश तैयार कर दिया जो सूर्य देव के प्रांगारों को तोड़ने की शक्ति रखता था। इससे प्रभावित होकर सूर्य देव ने शनि देव को श्राप दे दिया कि वह इस दुनिया में सबसे बुरा ग्रह होगा तथा जिस किसी के साथ भी वह संपर्क करेगा उसे दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। तदुपरांत वे इस श्राप से बहुत दुखी हुए तथा वे अपनी शक्तियों के बारे में सोचने लगे। इसके बाद उन्होंने शक्तियों के पुनर्निर्माण के लिए तपस्या करने का फैसला किया और उन्होंने काफी समय तक उसी स्थान पर तपस्या की। उस समय के दौरान उन्हें पृथ्वी के लोगों की समस्याओं के बारे में जानकारी मिली जिससे उन्होंने उन सभी लोगों की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने उनकी समस्याओं का समाधान करना शुरू कर दिया तथा उन्होंने अपनी शक्तियों को उन्हीं के सुधार के लिए इस्तेमाल किया था। उन्होंने उस समय जो उनके अनुशासन में असंतुष्ट थे उन्हें मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की। उनके इस समाज निर्माण के अभ्यास से उनका प्रभाव भी बढ़ने लगा तथा उनकी अस्तित्व की पहचान भी विशेष रूप से होने लगी। उनकी ही कृपा से लोगों के जीवन में खुशहाली, समृद्धि और शांति आती है तथा वे अपने आसपास के लोगों के प्रति उदारता का भाव रखते हैं।